अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बहुत अच्छे हैं। बस थोड़ा थोड़ा सा कोल्ड हो गया है सबको, और वाटर पार्क की वजह से नहीं हुआ, क्योंकि वाटर पार्क के बाद कई दिन के बाद ये सबको हुआ है। और वाटर पार्क जो है ना, हम लोग बकरीद के दूसरे या तीसरे दिन गए थे, तो खैर इसलिए नहीं हुआ। लेकिन हाँ, आजकल मौसम भी ऐसा चल रहा है सर्दी गर्मी का, इसलिए हो गया। और उमरान भी बीमार है, उमरान को भी कोल्ड हुआ है, फीवर भी है, और सब बहुत ज़्यादा सब परेशान है। बच्चों की वजह से हम लोग भी सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। फ़िलहाल तो आप लोगों ने मुझसे कमेंट किया था कि फ्राइड चॉप की रेसिपी चाहिए, तो मैंने टू टाइप्स की फ्राइड चॉप बनाई है। आप लोग उसकी वीडियो देखें, पसंद आए तो दोनों बनाइएगा, दोनों ही बहुत ही मज़े की बनी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। ठीक है, तो आप वीडियो देखें, इंजॉय करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये फ्राइड चॉप की रेसिपी कैसी लगी आपको। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। तो बस फ्रेंड्स, चॉप को फ्राई करने के लिए सबसे पहले प्रेशर कुकर लेना है, और उसमें क्या करेंगे, चॉप को हमने धो लिया था, और ये मैंने 1 किलोग्राम चॉप ली है, तो बस इसे अच्छे से वॉश किया, इसके बाद प्रेशर कुकर में मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद ना इसमें बेसिक से कुछ मसाले जाएंगे, जो कि यूँ है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा इसको खुशबूदार बनाएगा, तो ये ज़रूर डालें आप चॉप में। और इसके बाद इसमें ना थोड़ा सा प्याज जाएगा, जो मैंने चॉप करके रखा था, बस थोड़ा सा ही ले, इससे बहुत ही अच्छा इसका मज़ा हो जाता है। नमक लेंगे, कुटी हुई मिर्च लेंगे, और थोड़ा सा तेज़पत्ता लेंगे, तो बस ये सारी चीज़ें चली जाएंगी इसमें। और इसमें डाल देंगे पानी। फ्रेंड्स, पानी बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ 1 का पानी लेंगे, चाय का जो कप होता है ना 100 ml का, वो लेना है, और बस इसमें पानी डाल देंगे, और इसे प्रेशर कुक करेंगे। इतना हमें गलाना है जितना हमारा मटन जो है ना, वो ज़्यादा नहीं गलना चाहिए, मटन 90% कुक हो जाना चाहिए, और जो 10% है ना, वो बाद में कुक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अच्छे से टेंडर हो चुका है, आप देख सकते हैं, ओवर कुक मैंने बिल्कुल नहीं किया है। इसके पानी को अब हमें बिल्कुल भी, इसके पानी को ख़त्म कर देना है, तो इसी तरीके से हाई फ्लेम रखेंगे और पानी को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। और इधर ना हम इसका बैटर तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने बेसन लिया है, और कुछ बेसिक से मसाले जाएंगे। तो गरम मसाला लिया है मैंने, और लाल मिर्चों का पाउडर लिया है फ्रेंड्स, नमक लिया, ये सब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, और थोड़ी सी कसूरी मेथी ली है, और इधर बेकिंग पाउडर लिया, ये सारे जो इंग्रीडियंट्स हैं वो इसमें शामिल करेंगे। आप चाहें तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, मैं डाल लेती हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं लिया है। तो बस सारी चीज़ें जाएंगी, और अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी डालने के बाद हम इसका एक बैटर तैयार करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी मैं बाद में दिखाती हूँ आपको कैसे रखनी है, बहुत ज़्यादा हमें इसकी कंसिस्टेंसी को बहुत ज़्यादा थिन नहीं रखना है, और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना है, बिल्कुल मीडियम रखना है, ताकि अच्छे से चॉप में कोट अच्छे से कोटिंग हो जाए, बस इतना रखना है। ये देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से, और ये देखिए चॉप का जितना भी पानी था ना, वो सारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इतने अच्छे से मैंने भून लिया था। इधर ऑयल भी बहुत ही अच्छे से गर्म हो गया था, तो बस क्या करना है, बेसन में अच्छे से एक एक चॉप लेना है, और इस तरीके से कोट करना है, और ऑयल में डाल देना है, ये देखिए। और 1 से 2 मिनट तक हम बिल्कुल भी इसे छुएंगे नहीं, और इसके बाद इसके साइड को हम चेंज करेंगे। बहुत ज़्यादा भरना भी नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा डाल देंगे तो अच्छे से फ्राई नहीं होगा, इस बात का ख्याल रखें, ठीक है। अब बस 2 से 3 मिनट हो जाएंगे तो इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे। बहुत ही मज़े की लगती है, बहुत ही ज़्यादा यमी यमी होती है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे पूरी फैमिली को ये वाली चाप जाना बहुत ज़्यादा पसंद आई है, तो आप लोग एक बार ज़रूर से ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है। तो बस इसकी साइड को मैंने 2 से 3 मिनट के बाद चेंज कर दिया, और इधर से भी 2 से 3 मिनट बाद हम इसको निकाल लेंगे। बहुत ही प्यारा सा, अच्छा सा जब कलर आ जाएगा ना, तो समझ लीजिएगा चाप जो है ना फ्राई हो चुकी है, और फ्लेम को हाई रखें, क्योंकि पकाना तो हमें बहुत देर तक है नहीं। तो बस हमने क्या करा, निकाल लिया फटाफट से सारी चाप को, और जितनी भी रखी हैं हम उसे फ्राई कर लेंगे। इसको ना मैंने हरी चटनी के साथ बनाया है, आप प्याज हरी चटनी, और आप किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं, जो आपको पसंद हो आप वो खा सकते हो। इसकी जो बेसन की कोटिंग है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है, बहुत ही मज़ेदार है, अंदर से जूसी और सॉफ्ट बना है, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मटन की चाप है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। अब मैं जा रही हूँ दूसरी चाप बनाने के लिए, उसकी भी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो प्रेशर कुकर लेंगे, और इसमें मैंने चाप को जो है ना अच्छे से वॉश करके डाला, ये भी मेरी 1 kg है, तो बस इसको हम कुकर में ऐड करेंगे, और बस इसके बाद इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। तो इसके लिए भी मैंने एक छोटी सी प्याज ली है, ये भी इसमें जाएगी, प्याज से बड़ा ही मज़ा आता है, आप चाहे थोड़ी सी डालें लेकिन डालें ज़रूर, ठीक है। जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, ये भी चला जाएगा,
तो मैंने अपने हिसाब से लिया है, आप थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून के करीब मैंने दोनों चीज़ें डाली हैं। नमक ले लेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले लें, और नमक बैटर में भी जाता है इसलिए आप एहतियातन नमक डालें। और थोड़ा सा पानी डाल के बस इसको भी मैं क्या करूँगी, लिड से कवर करूँगी और 3 से 4 विसल हाई फ्लेम पे लेंगे और इसके बाद फ्लेम को लो करके और फिर इसके बाद इसको पकाएंगे। तो ठीक है ना, बस इसके टेंडर होने का वेट करेंगे। फ्रेंड्स बहुत जल्दी टेंडर भी हो जाती है, तो चलिए इसे बंद करते हैं फटाफट। बस इसे रख देंगे पकने के लिए। तो आप देख सकते हैं 4 से 5 विसल आई और मैंने लो फ्लेम पे भी इसे 5 से 10 मिनट पका लिया था, और आप देख सकते हो बिल्कुल टेंडर हो चुकी है। बस इसे भी क्या करना है, हमें अच्छे से इसके जो पानी है ना उसको खुश कर लेना है, यानी ड्राई कर लेना है। इसके बाद ना हमें इसका भी एक अच्छा सा बैटर तैयार करना है। तो ये हमारे पास दही है फ्रेंड्स, ये मैंने आधे कप के करीब लिया है, और इसमें कुछ चीज़ें जाएंगी जो कि यूँ है। इधर मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है 2 टेबल स्पून और बेसन लिया है 1 टेबल स्पून। तो ये दोनों चीज़ें इसमें जाएंगी, ये भी बहुत ही मज़े की बनती है, आप इसे भी ज़रूर एक बार ट्राई करें। अब बकरीद है तो जाहिर सी बात है हर चीज़ घर में होगी तो बना सकते हैं आप। इधर गरम मसाला लिया है, कुटी मिर्च ली है, नमक लिया है, लाल मिर्चों का पाउडर लिया है फ्रेंड्स, और इधर मैंने धनिया लिया है, ये भी कुटा हुआ धनिया है, ये ले लेंगे। कस्तूरी मेथी ली है थोड़ी सी, और गरम मसाला लिया है। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है ये सारी चीज़ें अगर आप इसमें डाल के चाप को फ्राई करेंगे, बहुत ही यम्मी यम्मी सा। तो बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद ना इसका एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है फ्रेंड्स, थोड़ा सा ही डालना है, बस थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे। आप चाहें तो नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने दही लिया था इसलिए मैंने नींबू नहीं ऐड किया है, आप चाहे तो कर सकते हैं खट्टा अगर ज़्यादा पसंद हो तो। इधर चाप देख सकते हैं, चाप का सारा पानी जो है ना बिल्कुल खुश हो चुका है। तो बस क्या करेंगे, जो हमने बैटर तैयार किया है इसमें चाप को हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से मैंने शामिल किया, और बहुत ही अच्छे से हमें अब क्या करना है, इसमें मिक्स करना है। मैं फूड कलर डालना भूल गई थी, तो मैंने 2 पिंच ना वो फूड कलर इसमें शामिल किया और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। बहुत ही अच्छे से मैंने मिक्स किया, और इसी तरीके से हम फ्राई भी करेंगे। बस ऑयल अच्छे से जब गर्म हो जाएगा तो एक एक चाप को उठा के हम फ्राई करना शुरू कर देंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें उठाना है और एक एक करके इसमें शामिल करना है। बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं भर देना है, अगर ज़्यादा डाल देंगे तो फिर अच्छे से कुक नहीं हो पाएगी और अच्छे से ना क्रिस्पी भी नहीं होगी। तो हाई फ्लेम रखेंगे, और फ्लेम हाई लो नहीं करना है, बिल्कुल भी हाई रखना है और हाई फ्लेम पर ही इसे बनाना है। बस इसकी साइड को 2 से 3 मिनट के बाद मैंने उसी तरीके से चेंज कर दिया, जिस तरीके से मैंने वाली चाप को फ्राई जो मैंने करी थी ना उसको चेंज किया था, उसी तरीके से इसको भी चेंज कर देना है। बस साइड को अच्छे से चेंज करेंगे और दूसरी साइड भी हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे, और इसके बाद आप देख सकते हो हमारी चाप बहुत ही ज़्यादा लजीज लजीज तैयार हो रही है। बहुत ही ज़्यादा यमी यमी सी लगती है, बहुत ही मज़ेदार सी लगती है, आप एक बार इसे ज़रूर 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 ट्राई करें, बहुत अच्छी लगती है। मेरी पूरी फैमिली को सबको बहुत अच्छी लगी, ये वाली भी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होती है फ्रेंड्स। तो बस इसका भी हम क्या करेंगे, इसे भी निकाल लेंगे एक प्लेट में, एक एक करके निकालते जाएंगे, जैसे मैंने ऑयल में डाली थी ना एक एक करके, उसी तरीके से एक एक करके निकालते भी जाएंगे और इसे सर्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इसे भी मैंने हरी धनिया हरी मिर्च की चटनी के साथ सर्व किया है, प्याज के साथ सर्व किया है, खाइए नींबू के साथ इसके, बहुत ही ज़्यादा मज़े आएंगे, बहुत ही अच्छी लगेगी सबको, इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा यमी यमी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ढेर सारा प्यार आप लोग के लिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। चलती हूँ, दुआ में याद रखें।